ठीक है जावेद, तुम कार को रास्ते से हटा दो। हाँ, मैं लाइसेंस प्लेट नंबर बता रहा हूँ, 34KG9465। हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है ये सही है? ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि आने में थोड़ा समय लग सकता है, मैं तुम्हें अपनी कार से ले जाता हूँ, फिर आप बाद में अपनी कार ले जाना। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। वो सच में पागल हो गया है, मैं डर गई थी जब उसे इस हालत में देखा। ठीक है, मुझे बाद में खबर करना। ठीक है। एमिर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मत बताओ, मुझे पता है तुम चिल्ड्रन ऑफ द सन फाउंडेशन से आ रही थी। मैं फंस गई थी, मैं वापस आ रही थी। अगर फंस गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, अभी चार्ज करा है। यास्मिन का फोन आया था, मैंने तुम्हें कॉल करा है। अभी कहाँ हो तुम? मैं यही पास में एक गैस स्टेशन के पास हूँ, बस अभी आ रही हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। तोलगा बेटा, यहाँ पे आओ। तुम ड्राइव ठीक से कर सकते हो ना, तो ये चाबियां लो और इन लोगों को तुम इस्तांबुल छोड़ के आ जाओ। हाँ ठीक है निहान, ये हमें छोड़ देंगे, चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती, तुम जा सकते हो। एमिर मुझे लेने आ रहा है, शायद उसे पता चल गया है कि मैं किसके साथ हूँ, इसलिए वो मुझे लेने आ रहा है अभी। तो मैं भी यहीं हूँ फिर, मैं रुकता हूँ जब तक वो नहीं आ जाता। नहीं केमल, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो, प्लीज। निहान, मेरी वजह से अगर उसने कुछ किया तो तुम्हारे साथ, मैं उसे मिलकर समझा दूंगा। तुम उसे क्या समझाओगे केमल? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो समझा ना सकूं मैं। मगर मैंने कहा ना, मिस्टर कुरान, मिसेस निहान के पति आके इन्हें ले जाएंगे, आप इनका ध्यान रखिएगा। आइए आइए, यहाँ बैठ जाइए। हाँ, गुड बाय केमल। इसके लिए थैंक यू। तुम फिर मुझ पर गुस्सा हो गए। नहीं मैं नहीं। तुम हुए हो। नहीं मैं नहीं हूं निहान, मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था निहान। अगर पता होता कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम आती भी नहीं शायद। केमल कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अमीर को सब समझा दूंगा। तुम उसे भी समझाओगे? और अगर वो तुम्हें नहीं समझा तो? मैंने बोला था कि इतनी मत पियो, चढ़ जाएगी तुम्हें। मैं तब से वैसी ही हूँ जब से मैं हम वापस आए हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम समझने के लिए नहीं तैयार हो। निहान, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मगर मुझे पता नहीं कि अभी इतना जरूरी है या नहीं। तुम्हारे पास वो जवाब नहीं है जिसके लिए मैं बेताब हो रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है, मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूं, मैं खुद परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या फील करता हूं। मगर कुछ आवाज आती है अंदर से जो मुझे रोकती है और कहती है कि निहान की तरफ मत जा। कुछ बात है जो वो छुपा रही है तुमसे, एक ऐसा घाव जिसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, मगर जब तक तुम उसे छुओगे नहीं तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगी। या तुम चाहती नहीं हो कि वो घाव ठीक हो कभी, जैसे तुम्हारी मर्जी है।
चलो अभी अंदर जाओ। गाड़ी जरा साइड में लगाना। हाँ क्यों नहीं भाई, जब तक मिसेस चली नहीं जाती हमें उनका वेट करना चाहिए। क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? हम वापस स्टेशन जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। दीदी के जाने के बाद हम भी जा सकते हैं। नहीं जरूरत नहीं है।